अरे तेरी भाई साहब, ये क्या पहनी हो? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। राम राम जी, आप सब कैसे हो? ठीक हो? हम भी ठीक है। सुबह के बज रहे 10, अभी तो खाली हुए। मतलब रात में ना तबीयत थोड़ा डाउन हो गया था, तो ऐसे ही सो गए थे। सारा काम मतलब उनका किया ही नहीं था, जस्ट अभी को करके उठ रहे हैं, सब काम खत्म करके। मैंने चना खाया था जो कि खत्म हो चुका है, हमने खाया था और मम्मी ने भी खाया था। मम्मी हमारी निन्नी कर रही है इस टाइम। ये कुछ बाहर का सीन देखिए, ये बकरी चरा रही है। भाई साहब बहुत कड़क धूप हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये कुछ घर के बाहर का सीन भी है। पल्लवी की ना मिली, पल्लवी की ना मिली, मिली ना मिली, मिली ना मिली, मिली ना मिली, मिली ना मिली। रे बेटी एक रे रे एक ले ले बेटी। हाँ, इतना बड़ा मुंह देख लो। फटाफट रेडी होते, आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया, तबीयत सही नहीं था, और मुझे काम भी ढेर सारा मिल गया। देख लो जी, काम और हम एक दूसरे के लिए बने हैं, कोई छोड़ नहीं सकता। ना हम छोड़ सकते हैं, ना वो हमको छोड़ सकता है। ना हमें अवल करा, अवल करा। तो फटाफट रेडियो के मिलते हैं आपसे, मस्त ना देख रेडियो के। आज मुझे करना है मेरा वाला काम, जो मेरे सूट पेंटिंग रखा है वो आज मुझे सिलना है, और सब में कस्टमर का भी सिलना है, मतलब आज सिलाई वाला ही काम करना है। और कपड़े दिखाएंगे आपको सिलने के आने के बाद, पक्का ये सिल देंगे आज, पक्का सिल देंगे। रात हो जाए जाते हैं, चाहे दिन हो जाए, चाहे 12 बज जाए, आज सिलेंगे जरूर। काट के दिखाते हैं आपको सीधे, सूट कट गया, अब इसे सिलते हैं फटाफट, सिल के दिखाते हैं आपको सीधे एकदम अच्छे से। टाइम हो रहा है 7:35। दीदी का सूट नहीं सिलाया है, बस आधा घंटा का काम और है। इतना लेट पता है कैसे हो गया? क्योंकि बीच में मैं सिलना था लहंगा का 2 ब्लाउज, इसलिए मुझे लेट हो गया। और हमने सोच लिया था कि आज मुझे कैसे भी करके फाइनल करना है, अगर आज नहीं किया ना फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आज लेट हो गया। और लाइट भी गई। हाँ, लाइट भी धोखा दे दिया बीच में। ये रहा बोड़े की सब्जी और नमक मर्चा रोटी। बोड़ा का सिलाई कर दिया, तब तक हम खाना खा लेते हैं, भूख लगा है। सब सुनने में आ रहा है कि लाइट नहीं आया, क्योंकि पता है जो भी ट्रांसफार्म बोल गया ना सनी। नहीं, मैं मम्मी बोल रही कि बहुत तेज से लाइट आया, मतलब बोल गया लाइट नहीं आया, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको सूट दिखा रहे कितना फाइनल हुआ है, ये देख लो जी। पता है पूरा भाई पूरा सब कुछ मीटिंग करना है, बाकी सारा काम हो चुका है। कैसा लग रहा है कलर सब करने बताना, ठीक है? मतलब अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताना आप सब, ठीक? मुँह काला सा हो गया एकदम। फटाफट फिटिंग करके फिर मिलते हैं आपसे हम। 9 बजने वाले हैं, मम्मी यहाँ देखिए नीचे लेटी हैं, मस्त पंखा चालू करके, लाइट भी आ गया बहुत अच्छे से। ब्लाउज सिले थे ना, वो ब्लाउज भी ले गई शाम को, आए फिटिंग की यहीं पे, हो गया सब कुछ किया और लेके भी चल गई। अब मेरा सूट अभी कुछ जस्ट रेडी हुआ है, ये देखिए फिर इतना पजामा काला काला है। पैंट भी रेडी हो गया है, ये लास्टिक नहीं डाला क्योंकि मेरे पास लास्टिक नहीं था, और आज भी हो गया तो इसलिए लास्टिक डालेंगे कल। मम्मी ने बताया ये लास्टिक नहीं है। लफा दे खाना, बहुत सूट से लिया हमने, मुझे भूख लग गया बहुत से। ये रहा मेरा खाना, सब्जी रोटी प्याज और नमक मिर्चा। आप सब भी खाना खा लो जी, मस्त ना हो गया, मस्त। जो हमने कल गिफ्ट लेके आया था वो आज अभी को ओपन करेंगे, आप सबको दिखाएंगे, हम भी खुद दिखेंगे। कल मैंने इसी टाइम बोला था कि कल दिखाएंगे, आज वही टाइम फिर से आ गया, अब मुझे अभी दिखाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा बिजी थे इसलिए। ये बैग मेरा था और वो वाला बैग पूरा भाभी का था, तो ये इसमें मेरा है, मतलब मेरा नहीं सिंधी का है। ज्यादा सामान सिंधी का है, पहला निकल गया सिंधी का।
यस तुमने ट्राई करेगी, हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए कुछ ऐसा ड्रेस लिया है सेकंड गिफ्ट पापा जी के लिए। ये हमने आधे टाइम किया फिर आप लेट हो रहे हो सर। देखिए ट्राई करोगे चोट नहीं हो कॉटन है सिलिकॉन ना है हाँ सुत्ती हो लंबाई चाहिए ठीक ठाक मजे में चलो जी हो गया इनका। ये कुर्ती लिया है मैंने अपने लिए लास्ट में दिखा सस्ता था इसलिए मैंने ले लिया। इसको भी फिटिंग करना है सिंडी का इसमें का पैंट और इसके नीचे पहनाएंगे हम व्हाइट कलर टी शर्ट पता है कि ये पहनने की मतलब क्योंकि ये ओपन था और देखने में अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया। और ये लिया हमने अपने लिए इयररिंग हर बार जाते लेके आते अपने लिए जिससे पहनने के लिए प्लास्टिक प्लास्टिक बेल्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने लिए साड़ी भी पहनने के लिए निकले टॉप मम्मी के लिए कुछ नहीं मम्मी चूड़ी पहनेंगे मतलब एक बार पहनेंगे और उसके बाद पहनेंगे मम्मी के लिए कुछ लेके आई नहीं हमने बता दी क्यों सुनी का जिन सही है और मम्मी को ना बहुत अच्छे से लेके आएंगे हम कुछ सोचे माइंड में लेके आएंगे। ब्लैक कलर ड्रेस पहन के दिखाएंगे कैसा लग रहा है सुनिए प्लीज कॉल में इनको मम्मी को बेल्ट नहीं खोलने आ रहा बता दो जी हम कैसे खुलेगा ये बेल्ट और तेरी खोल दिया भाई गया अभी तक काम पे मतलब अभी तक नहीं आया आएगा कम से कम 10:30 बजे आएगा कम से कम नहीं ब्लैक वाला सब छोटा निकल गया पता नहीं कैसे ये कपड़ा थोड़ा सा अजीब सा है इसलिए सिने को पहनना नहीं आ रहा तो उल्टा है ये कपड़ा छोटा है इसलिए सिने बड़ा अजीब सा लग रहा है ये हमारी मैम साहब कपड़ा पहन के आपको दिखा रहे हैं हम बल्लभ है सर ये देखिए जी सिने पहचान में नहीं आ रही किसी की सिन्नी है देखिए दीवार में सिटी है अभी तक कुछ दिक्कत है अच्छा दिमाग कार्यक्रम चल रहा है कि खोल के रबड़ बड़ा कर दो कपड़ा हो जाएगा हाँ इतना अच्छा कपड़ा है भाई साहब मम्मी बोल रही कि ऐसा कपड़ा हम पहने थे देख लो जी ठीक है सुनी मम्मी का डिमांड है कि एक बार ट्राई करो कैसा लगता है और जींस पे नहीं अच्छा लगेगा ये देखो जी दी भी ट्राई कर रही है इसके नीचे एक बार जींस पहन कराओ सही लगा था अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा जो कर रही हूँ मम्मी बाबू देख रही इसमें का कपड़ा भी मैंने आपको दिखा दिया और मेहंदी का कपड़ा भी रेडी हो गया जो कि मेहंदी वाले दिन पहनेंगे वो भी रेडी हो गया।
व्लॉग करते हैं खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट ढेर सारे प्यार दीजिएगा और आप सब हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हमारे साथ चलते रहिए। राम 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 राम।